हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आप अगर पहली बार देख रहे हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ पूरी कंप्लीट ए टू जेड टॉपिक बाय टॉपिक मैथ साइंस की पूरी जानकारी। और यदि अगर आप हमसे ऑनलाइन लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर हमको संपर्क करें, लाइव क्लास से आपको जोड़ दिया जाएगा और टॉपिक बाय टॉपिक आपको हर चीज समझाया जाएगा। तो आज स्टूडेंट्स हम लेकर आए हैं टेंथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी जो खुद भी एक क्वेश्चन बन के एग्जाम्स में रहता है और साथ ही साथ उससे रिलेटेड बहुत सारे जनरेटिव से क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का थ्योरम कौन सा है। तो आज का वो थ्योरम जो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इसको करें हम लोग, लेकिन उससे पहले इसको हम जानेंगे कि ये है क्या, डेफिनेशन तो इसका जानना पड़ेगा, फिर ही आगे हम कुछ कर पाएंगे। तो देखिए इसका डेफिनेशन आ गया। तो ये बार बार पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हम स्टेटमेंट लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं कि जिस जिस थ्योरम्स का नाम दिया गया है और नाम से है वो थ्योरम्स, उनके साथ एक पॉसिबिलिटीज है कि प्रूफ करने के लिए आपके पास ऐसा आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ। तो स्टेट एंड प्रूफ में आपके लिए स्टेटमेंट लिखना जरूरी हो जाता है, इसलिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो चलिए इस स्टेटमेंट को देखते हैं। और ये स्टेटमेंट क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल्स। यानी कि कोई एक ट्रायंगल है और उसके एक एंगल के बाइसेक्टर्स को ले जाकर उसके सामने वाले साइड पे मिलाते हैं तो जिस पॉइंट्स पर वो बाइसेक्टर उसको काटता है, अपोजिट साइड्स को जिस पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट जो होता है साइड्स को उस रेशियो में बांटती है जिस रेशियो में उस एंगल का कंटेनिंग साइड्स होता है। तो चलिए इससे गिवन क्या है वो पहले हम निकाल लेते हैं। गिवन है कि एक ट्रायंगल हमने ले लिया एबीसी और उसमें एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि उसके अपोजिट साइड बीसी को डी पर काटता है। तो इसको थोड़ा फिगर में देख लेते हैं। ये एबीसी एंगल ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल, और इसमें एंगल ए का बाइसेक्टर्स हम लाते हैं। ये दोनों कर्व दिखा रहे हैं कि दोनों एंगल सेम है और डी पे काटते हैं। तो स्टेटमेंट कौन सा क्या हो गया, बी बी बाई डी सी को अगर हम लेंगे तो वो ए बी बाई ए सी के बराबर होगा, या फिर इधर से ले सी डी बाई बी डी डेट इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। ये स्टेटमेंट का रूल्स है, व्यूज है और यही हमसे वो प्रूफ करवाना चाह रहे हैं। तो आइए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करना है उसको देख लेते हैं। प्रूफ क्या करना है, यही एबी बाई एसी, एबी बाई एसी इज इक्वल टू बीडी बाई बीसी। तो इसके लिए क्या क्या आप कंस्ट्रक्शंस करेंगे, तो कंस्ट्रक्शंस करेंगे कि सी पैरेलल डी ए, BA के पैरेलल एक सी ड्रॉ कर लिया और BA को एक्सटेंड करके ई तक ले गए, एक्सटेंड्स BA टू B। तो इस तरह से हमें बड़ा ट्रायंगल BECB मिल गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या हमें प्रूफ में मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कन्वीनियंस हो जाए हमारे लिए एंगल्स को शो करना, ये सारे एंगल्स को हमने नाम दे दिया 1 2 3 4 नाम के, इनका हम उपयोग करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। हम जैसे कि एंगल बी ए डी न लिखकर एंगल ए लिखेंगे वो उसको रिप्रेजेंट करेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड्स को पीछे से ले आए हैं हम यहाँ पे और प्रोप में आगे की तरफ चलते हैं। और ये देखिए हमें प्रोप में क्या क्या चीज मिल सकता है। तो सबसे पहला हमें जो कंस्ट्रक्ट किया है हम लोगों ने क्या चीज, बी ए पैरेलल सी, उसको हमने लिखा। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो हमें इसे क्या क्या मिल सकता है, ये देखिए। इससे पहला तो हमें मिलेगा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, ये देखिए एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री। और ये किससे मिला, कोरस्पोंडिंग एंगल से। कोरस्पोंडिंग एंगल कैसे, जब कोई दो पैरेलल लाइंस हो उनको कोई भी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो सेम साइज सेम टाइप्स के क्वेश्चंस एंगल जो होते हैं वो कोरस्पोंडिंग कहलाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वन और थ्री क्या हो गए, कोरस्पोंडिंग हो गए। दूसरा अब हमें मिलेगा कि पैरेलल लाइंस है वो, तो एक उसमें अल्टरनेट भी मिलेगा। अल्टरनेट कौन सा है, अल्टरनेट है टू और फोर। अब दो हमें मिल गए, एक मिला वन इज इक्वल टू थ्री कोरस्पोंडिंग से और दूसरा मिला टू इज इक्वल टू फोर अल्टरनेट से। लेकिन हमें दिया गया है कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये स्टेटमेंट में ये गिवन टर्म्स है। तो अगर ये वन और टू इक्वल है तो थ्री और फोर भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वन के इक्वल टू थ्री है और टू के इक्वल टू फोर है। तो वन की जगह जैसे वन इज इक्वल टू टू है तो वन की जगह थ्री सब्स्टिट्यूट कर दिया और टू की जगह फोर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमें मिल गया थ्री एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। तो अब ये देखिए ए ई सी इसमें थ्री और फोर क्या है, इक्वल मिल गए। तो ये दो एंगल्स जब इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल शेप बन गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो दो साइड्स भी इसके इक्वल हो जाएंगे और वो साइड्स होते हैं एंगल के अपोजिट वाले। तो AC और AE इक्वल हो गए, इस बात को लिख लेते हैं। तो ये हमें मिला हैंस इन ट्रायंगल ACE इज इक्वल टू AC क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोला था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ले लेते हैं पूरा बड़ा वाला और इसमें BEC में देखते हैं कि BA पैरेलल CE है। अब इस ट्रायंगल को ऐसे अगर आप मूव करवा देते तो क्या मिला, CE पैरेलल BA, इस तरह से चलते हैं। तो हमें इसमें एक पैरेलल दो लाइंस मिल गए तो थेल्स थ्योरम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे BA by AE इज इक्वल टू BD by CC, ये टर्म हमें मिल जाएगा इन ट्रायंगल BCE DA पैरेलल CE। तो BA by AE उस वाला साइड पे, तो इस साइड पे BD by BC by थेल्स थ्योरम मिल जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये हमें मिल गया तो अब हम लेते हैं कि यहाँ जो दिया गया है, पहले हमने प्रूव किया है कि कंस्ट्रक्शन में से गया था, कंस्ट्रक्शन की वजह से हो गया था कि ए और ए सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स हैं। जब ये दिया हुआ है इक्वल तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए सी से, एसी से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ए बी बाई ए सी। ए बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी बाई ए सी, ए की जगह ए सी बी डी बाई बी डी। और याद होगा आपको हमें यही प्रूफ करना था कि अगर कोई बाइसेक्टर ए डी आकर डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो बी डी बाई डी सी ऐसा रेशियो मिलेगा जो कि ए बी और ए सी के बराबर होगा, रेशियो के बराबर होगा।
आप बी डी बाई डी सी, अगर डी सी डी बाई डी सी जगह से इसको उल्टा कर देंगे तो ये डी सी बाई बी डी हो जाएगा, तो ये ए सी बाई ए बी हो जाएगा। तो इस तरह से किसी तरह से लिख सकते हैं, ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और ये थ्योरम हमारा यहाँ प्रूव हो गया। लेकिन एक इसका कन्वर्स तो नाम से नहीं आता है, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, लेकिन क्वेश्चन से आता है जो कि कन्वर्स के रूप में, जस्ट कन्वर्स इसका होता है, तो हमने उसका नाम दे दिया है कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे, और इसके लिए अब हमें स्टेटमेंट में ये दे दिए कि इन ए ट्रायंगल एबीसी लेट डी बी ए पॉइंट ऑन बीसी सच दैट एबी बाई एसी इज इक्वल टू बीडी बाई डीसी, देन प्रूव दैट एडी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जस्ट उसका उल्टा कर दिया, हम लोग ए को बाइसेक्टर लिए थे और आकर प्रूव किए थे कि ऐसा कंडीशन प्रोड्यूस होगा। अब ये क्वेश्चन ऐसा आ गया हमें एंगल ए को बाइसेक्ट करना है, और ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे ही क्वेश्चन के रूप में, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन के रूप में आता है, आपको बुक्स वगैरह मिल जाएगा या क्वेश्चन में इसी तरह का एग्जाम्स में आता है। तो इसके लिए भी देखिए हम कुछ वो करेंगे, गिवन ले लिया ट्रायंगल एबीसी है और डी एक ऐसा पॉइंट ऑन बीसी पे है कि इस तरह का हमको कंडीशन मिला है ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी दैट इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। तो वही काम हम यहां भी करेंगे, फिगर्स थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी ट्रायंगल है, डी इसमें कहीं पॉइंट्स है जो कि इस तरह से इसको डिवाइड कर रहा है कि ए बी बाई ए सी बी डी बाई डी सी के बराबर मिल रहा है, उसको हम ज्वाइन कर देते हैं। अब ये देखिए, तो प्रूफ करना है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD द्वारा है ये इसका बाइसेक्टर्स है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो जस्ट लाइक पिछला जो हमने ट्रायंगल्स किया कंस्ट्रक्शन उसी तरह का होगा, लेकिन उसका स्टेटमेंट अलग होगा, और देखिए उसका स्टेटमेंट क्या होगा। कंस्ट्रक्शन में रहेगा कि प्रोड्यूस BA टू E सच दैट A इज इक्वल टू AC, वहां हमने तक एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया था, एक्सटेंड करके ज्वाइन किया था। यहां है कि BA को E तक एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद ऐसा एक्सटेंड करेंगे कि वो AC के बराबर तक बढ़ाएंगे, फिर उसको ज्वाइन करेंगे। प्रोड्यूस BA टू E सच दैट A इज इक्वल टू AC एंड ज्वाइन AC, इस कंस्ट्रक्शन को कर देते हैं, मिल गया। और उसी तरह पिछले वीडियो में जैसे हमने एंगल्स को शॉर्ट कर लिया था, उसका नाम दे दिया था, यहाँ भी नाम देते हैं, ये एंगल्स हमारे 1 2 3 4 आ गए। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए प्रूफ में हम लेंगे कि चूंकि ए बराबर ए सी हमने लिया है कंस्ट्रक्शन से, तो हमें जो मिलने जा रहा है वो मिलेगा कि एंगल 3 और 4 इक्वल होंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होगा। तो अगर अगर ऐसा हो गया तब क्या होगा, आगे हम देखते हैं। अभी जस्ट हमने पीछे प्रूफ भी किया था, गिवन भी है कि AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC, तो AB बाई AC को हम AE से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हमारे पास आ गया AB बाई AE इज इक्वल टू BD बाई DC, ये देखो क्या AB बाई AE और BD बाई DC, ऐसा कहां आपने क्या देखा है, ऐसा कुछ देखा है, ऐसा कुछ नहीं देखा आपने, गलत बात है। आपने देखा है ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, और वो क्या है कि AB बाई AE डिवाइडेड बाय BD बाई DC, ये हो जाएगा कौन कौन सी लाइन से, इसमें ये दोनों साइड से, तो तीसरी ये दो साइड क्या हो जाएगी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से, वो हो जाएगा पैरेलल,
class of Felsfibra. ये फेल्सफिब्रा से हो जाएंगे। और जब ये देखिए कि पैरेलल हो गए, दोनों लाइन ये पैरेलल हो गया, जब पैरेलल हो गए तो हमें मिलेगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और दूसरा मिल जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 हो। तो यहाँ आपको एक 2 के इक्वल मिल गया 3 के, और 2 मिल गया 4 के इक्वल। कैसे मिला? अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये आपको मिल गए। अब पीछे आपने देखा था, बट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये पीछे जस्ट पीछे आपने देखा था यहां पर कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो जब यहां हम ले लेंगे तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हम पहले प्रूव कर चुके हैं, तो इन दोनों को शिफ्ट कर देंगे 1 और 2 में, तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 की जगह 1 और 2 की जगह 4 की जगह 2। हमें मिल गया क्या? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया कि AD लाइन जो आ रही है वो क्या कर रही है? D पर AD लाइन जो आ रही है वो एंगल A को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दैट गिव्स AD bisects the angle A, यानी कि AB is bisector of angle A। और यही उस क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि प्रूव कीजिए कि AD जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे हमारा ये भी टर्म्स क्या होता है? प्रूव्ड हो रहा है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक आने वाले थे और आप लोग यहाँ तक देखे उसके लिए थैंक्स। और फिर एक बार कि अगर हमें ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, और कॉन्टैक्ट करने के बाद एक और भी हमने ऑप्शन डाल रखा है कि जैसे जो सिवान के, जैसे सिवान में कोचिंग चलता है, तो सिवान के बच्चे जो है अगर अभी वो ऑनलाइन हमसे आ भी जाते हैं तो ऑनलाइन के साथ साथ अभी तो ऑनलाइन करवाएंगे लाइव क्लासेस में, लेकिन उसके बाद वो उसी तरह से हमें यहाँ पर क्लास में आ सकते हैं लॉकडाउन के बाद, जैसे कोचिंग ओपन होंगे तो आप हमें क्लास में आकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फेस टू फेस बैठ कर कर सकते हैं। तो अभी आप चाहें तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लें, और बाहर के जो बच्चे हैं और जो सिवान से बाहर के हैं ऑनलाइन लाइव क्लास के लिए आते हैं उनका कंटिन्यूस वैसा चलता रहेगा। अगर जो जो सिवान में पहुँच पाने लायक होगा वो हमें डायरेक्ट क्लास से जुड़ जाएगा ऑनलाइन से बजाय। तो जब तक लॉकडाउन है तब तक आप ऑनलाइन हमसे जुड़ जाइए अगर सवाल के हैं तो, उसके बाद ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो बाहर के हैं उनका ऑनलाइन कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, आपने हमें देखा इतना तक, उसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।